सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। नए वर्ष के आगमन पर कुल पिताजी का संदेश है इस वर्ष का, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नव वर्ष 2014 का अभिनंदन करते हुए आप सबको नए साल की शुभकामना। नव वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो। राम की कृपा छाया में आप सबको परम सुख एवं शांति प्राप्त होती रहे। हम सबको ये जीवन रूपी अवसर एक सीमित और अल्प अवधि के लिए मिला है और इसका एक एक क्षण अनमोल है। नव वर्ष हम सबको यही बात याद दिलाने के लिए ही आता है। इस मानव जन्म की महत्ता को हमें जानना है, दुख मात्र की हानि, अनंत जीवन का लाभ और परम आनंद की प्राप्ति इस मानव जन्म ही में ही केवल संभव है। इसे व्यर्थ में ना गवाएं, इसकी सार्थकता को जानें और अपनी शुद्ध सत्ता को जागृत करें। ये सब भक्ति से, राम भजन से और सुकृत कर्मों के करने से ही प्राप्त हो सकते हैं। नाम जाप एक प्रकार का विचार योग है। अपने विचारों में राम नाम को जितना अधिक हम बसाएंगे, उतना ही हमारा मानसिक, बौद्धिक और वाचिक बल बढ़ेगा। हमारा जीवन फूलों में सुगंध की तरह सुखमय, मंगलमय, उत्साह एवं उल्लासपूर्ण होगा। राम के प्रेम को मन में बसाने से मन को संतुष्टि, शांति और सुख का अनुभव होता है। जो भी साधक अपने को इस पथ पर आरोपित कर लेता है, उसे पतन और पाप ताप का भय हरगिज नहीं रहता। आत्मा और परमात्मा के पावन प्रेम को ही हम परम धर्म मानते हैं। राम प्रेम के उपासक की पहचान यही है कि वह राम भरोसे निर्भर रहकर अपने कर्तव्य कर्मों को पूरी तरह निभाता है और भरोसे से कभी भी दूर नहीं भागता और प्रभु के आगे अपने आप को पूर्णतया समर्पित कर देता है। वह दूसरे को हित को पहचानता है। वह राम के प्रेम में पदों के पाठ को नियमित रूप से करता है। हरि यश गायन को सुनकर वह भाव विभोर एवं रोमांचित हो जाता है। उसके कथन तथा संलाप में, मेल मिलाप में, बर्ताव में सरलता व्याप्त रहती है। वह जन सेवा और दूसरों की सहायता करने में हिचकिचाता नहीं और सेवा इत्यादि अपनी पूंजी को, सेवा को अपनी पूंजी का आवश्यक अंग मानता है। वह सबसे प्रीतिपूर्वक व्यवहार करता है और वह सत्संगों में पूरे प्रेम व भाव चाव से शामिल होता है। ऊपर कहे गए साधन साधकों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी है, सुख का स्रोत है और प्रेम पथ में पूरे सहायक हैं। अपने प्रिय स्वरूप को जागृत करना, उसे पवित्र बनाना ही प्रेम का पथ है। यही मोक्ष का मार्ग माना गया है। जगे चेतना विमलतम हो, सत सुप्रकाश शांति सर्व आनंद हो और पाप ताप का नाश। मैं एक बार फिर आप सबको नव वर्ष की बधाई देता हूँ और हृदय से कामना करता हूँ कि प्रभु राम स्वयं आप सबके आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करें,
आपके लिए मंगलकारी नाम से हम सब सदा संचित रहें। आशीर्वाद सहित हंसराज।